चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू और गोभी की टिक्की। आलू गोभी टिक्की बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू, जो मैंने उबाल कर इनको कद्दूकस करके रख लिया है। अब हमें चाहिए गोभी, जो मैंने अच्छी तरह से धोकर कद्दूकस कर ली है। तो आइए हम बनाते हैं आलू और गोभी की टिक्की कैसे बनती है। सबसे पहले हम आलू और गोभी को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा अरारोट पाउडर है, हमने 2 चम्मच अरारोट पाउडर डाल लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। काली मिर्च पाउडर ले लिया है हमने 1/2 चम्मच। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए हमने नमक बहुत ही कम डालना है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। आधा चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। टिक्कियां बना के रख ली हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम एक एक करके टिक्की को तेल में डाल देंगे। टिक्की को अच्छी तरह से पकने तक हमने फ्राई करना है। अगर हम इसको ऐसे ही पलट देंगे तो हमारी टिक्की टूट जाएगी, इसलिए पकने तक हमने इसको, जब तक ये पक नहीं जाती हम इसको पकाएंगे। एक तरफ से पक चुकी है, अब हम इसे धीरे धीरे पलट देंगे। ये बनकर तैयार हो गई है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे।